सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहां 6 और 7 मंजिलों की 2 बिल्डिंग गिर गई और हादसे में अब तक 3 शवों को निकाला जा चुका है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका अब जताई जा रही है, तो वहीं एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, तो हादसे के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो अब तक 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, तो 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 12 एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम लगातार जो रेस्क्यू में यहां पर अपनी जो पूरा योगदान है वो यहां पर दे रहे हैं। तो शाहबेरी से सटे इटेड़ा खिला, चौगानपुर, बिस्रक समेत कई इलाकों में ये जो अवैध इमारतें जो हैं वो धड़ाधड़ बन रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं हादसे का जो वजह है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि ग्रेटर नोएडा में ये 2 इमारतें गिरी हैं, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। अब तक 3 शवों को बाहर निकाला गया है। 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस मलबे में दबे बताए जा रहे हैं, जिसको लगातार निकालने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। तो 6 और 7 मंजिल की 2 बिल्डिंग यहाँ पर गिर गई और हादसे में अब तक 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। तो अभी भी कई और जो लोग हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने की जो लगातार कोशिशें हैं वो यहाँ पर जारी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो बचाव अभियान है किस तरह चलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई करते हुए जो बिल्डिंग का मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शाहबेरी से ही सटे इटेड़ा, खेड़ा, चौगानपुर, बिस्तर समेत कई इलाकों में इन दिनों काफी संख्या में धड़ाधड़ अवैध इमारतें बन रही हैं, जो लोगों की जान पर किस तरह से भारी पड़ रही हैं वो इन तस्वीरों, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उनसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के जिस शाहबेरी इलाके में यह हादसा हुआ, वहां ये कोई इकलौती बिल्डिंग नहीं थी जिसकी नींव कमजोर बताई जा रही है। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप है। तो फिलहाल ये तमाम जो पहलू हैं वो जांच का विषय बने हुए हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। 12 से जो एम्बुलेंस है वो वहां पर मौजूद है, जो लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही है साफ तौर पर बिल्डर की, और जो ठेकेदार हैं जिनकी तरफ से ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनकी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये भी जांच का विषय है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बिल्डर है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन किस तरह की लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जाती है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है अपनी जान गंवाकर। अब तक इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह वहां पर माहौल है। तो मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे बताए जा रहे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें किस तरह से जारी हैं वो आप तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। तो लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है, पुलिस भी यहाँ पर, जो पुलिस मिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, और सिर्फ ये ही नहीं कि जो बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है सिर्फ उसी की नींव कमजोर बताई जा रही है, बाकी और जो यहाँ पर इमारतें हैं वो भी अवैध तरीके से बनाई गई हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं। तो किस तरह से लोगों की जान पर जरा सी लापरवाही भारी पड़ रही है वो इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है। तो ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अभी 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, 30 लोग मलबे के अंदर दबे हैं जिनको निकालने की कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ है, फिलहाल कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि जो बिल्डर हैं जो अवैध तौर पर इस तरह की इमारतों का निर्माण करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाता है, क्योंकि इस तरह का मामले सिर्फ ये पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबक ना लेते हुए इस तरह की भारी लापरवाही की जाती है, जिसका खामियाजा, जिसका असर सीधा लोगों की जान पर पड़ता है। है कौन जो बाइट देगा, रात को आया था मोहित, तो मोहित शर्मा आया था।
ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें जहां पर दो इमारतें गिरने से ये जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ है। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है मौके पर बनी हुई है, स्थिति को यहां पर सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं अफरा तफरी का माहौल है, आप तस्वीरों से भी खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का मंजर वहां पर उस वक्त होगा। तो सिर्फ यहाँ पर ये दो इमारतें ही नहीं जिनकी नींव कमजोर थी, बल्कि जो और भी इमारतें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही है बढ़ती गई है बिल्डर की तरफ से। तो फिलहाल क्या कुछ एक्शन इसमें बिल्डर के खिलाफ लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है घोर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है।